और ये बड़ी जानकारी, दिल्ली के लिए रवाना हुए सीएम भूपेश बघेल। तो सीएम भूपेश बघेल का दौरा दिल्ली के लिए, और दोपहर बाद सोनिया गांधी से मुलाकात भी कर सकते हैं। और ये बड़ी खबर आपको बता रही हूँ। अब बता रहे हैं कि सरकार के कामकाज समेत कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी, संगठन द्वारा किए गए कार्यों को लेकर की चर्चा होगी। तो कई और मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है, सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है, और साथ ही दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं सीएम भूपेश बघेल। सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली का दौरा है, दोपहर बाद सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। तो ये मुलाकात संभव बताई जा रही है। सरकार के कामकाज समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद। तो दिल्ली के लिए रवाना होने के दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, और फिर दोपहर के बाद सोनिया गांधी के साथ संभावित मुलाकात भी बताई जा रही है। सरकार के कामकाज समेत कई मुद्दों पर चर्चा संभव है, साथ ही संगठन द्वारा दिए गए कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई है। तो चर्चा होगी और कई और नेता से मुलाकात भी कर सकते हैं सीएम भूपेश बघेल। दिल्ली के लिए रवाना हुए सीएम भूपेश बघेल, तस्वीरें हम आपको इस दौरान की दिखा रहे हैं, जिस दौरान सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। और देखिए किस तरीके से यहाँ नेता उन्हें हेलीपैड तक रवाना करने के लिए आए हुए थे। संगठन द्वारा दिए गए कार्यों को लेकर भी आज चर्चा होगी, जब दिल्ली पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल। सोनिया गांधी से मुलाकात दोपहर के बाद संभव बताई जा रही है। इस पर अधिक जानकारी के साथ ओम प्रकाश चंद्राकर फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, आपसे जानकारी चाहेंगे, सीएम भूपेश बघेल का दौरा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए सुरभि, सीएम भूपेश बघेल जो है आज दिल्ली प्रवास पर है, और वो 11:30 बजे दिल्ली पहुंच गए हैं, और फिलहाल वो छत्तीसगढ़ सदन में है। छत्तीसगढ़ सदन में उनका जो कार्यक्रम है वो फिलहाल यहाँ के कार्यक्रम के हिसाब से रिजर्व रखा गया है, लेकिन संभावना यही की जा रही है कि जिस तरह से दिल्ली में राजस्थान के सीएम गहलोत भी पहुंचे हुए हैं, तो जाहिर तौर पर पार्टी या संगठनात्मक तौर पर उनसे आलाकमान से चर्चा हो सकती है, साथ ही उनसे राय मशवरा भी लिया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस में खबरें आ रही है कि प्रशांत किशोर को जो है वो कार्य योजना तैयार कर रहे हैं पूरे इलेक्शन, आगामी इलेक्शन को लेकर, तो जाहिर तौर पर दोनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और इन सरकारों से राय मशवरे लिया जा सकता है कि आगामी कार्य योजना कांग्रेस की क्या होगी, वो किस तरह से 2024 के जो इलेक्शन में है वो उतरेंगे, और क्या क्या चीजें और इसमें ऐड की जा सकती है। तो तमाम इस तरह से संगठनात्मक तौर पर ही चर्चा होने की संभावना है। साथ ही हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि उनकी मुलाकात किनसे किनसे होनी है, लेकिन ये संभावना व्यक्त की जा रही है आलाकमान से। साथ ही ओम प्रकाश जी, सोनिया गांधी की मुलाकात के साथ साथ में ये भी बताया जा रहा है कि कई और नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। तो सोनिया गांधी के साथ तो मान सकते कि चलिए सरकार को लेकर के, विकास कार्यों को लेकर के चर्चा होगी, बाकी के नेताओं के साथ किस तरीके की बैठक हम कह सकते हैं या मुलाकात? देखिए सुरभि, अभी फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से होगी, राहुल गांधी से होंगी, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि जो संगठनात्मक तौर पे जो आगामी रणनीति कांग्रेस की तैयार हो रही है, इसी संबंध में सीएम भूपेश बघेल जो है वहां गए हुए हैं, और कई नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है, उनका राय मशवरा लिया जा सकता है कि किस तरह से आगामी रणनीति तय की जाए, साथ ही अन्य मुद्दों पर भी चर्चा संभावित है। जी ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली का दौरा और दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुके हैं, और संभावित तौर पर सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं दोपहर के बाद। इसके बाद वो कई नेताओं से और मुलाकात कर सकते हैं, सरकार के कामकाज समेत कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।